नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। इस बार का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने यहाँ पे ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया के बारे में। किसी भी कंट्री के अंदर जब हम MBBS करने का डिसीजन लेते हैं, जब इंडिया के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है तब, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होने की वजह से कोई भी कंट्री का सिलेक्शन करने से पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। अगर विथ हाफ इंफॉर्मेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको परेशानी क्रिएट होने वाली है। तो अगर रशिया के एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहली जो बात आती है जहन में, रशिया इज वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ये हम सबको मालूम है कि US के बाद अगर दूसरा कोई सुपर पावर है तो रशिया है डेफिनेटली। उसके अलावा इंडियन डॉक्टर्स ने सबसे पहले जो अदर कंट्री के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करनी शुरू की थी, आज की डेट में कई ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो रिटायरमेंट की कगार पे होंगे जिन्होंने अपना मेडिकल एजुकेशन जो है वो रशिया से लिया हुआ है। कई ऐसे भी डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और उन्होंने जो पढ़ाई है अपनी कंप्लीट की हुई है रशिया से है। दूसरा है लोकेशन ऑफ द रशिया। अगर रशिया के लोकेशन की हम लोग अगर बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कंट्री जो है वो रशिया है आज की डेट में। कंट्री बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यूरोप एंड एशिया। करीबन 75% जो एरिया है वो है एशिया का पार्ट गिना जाता है और 25% जो एरिया है वो यूरोप का पार्ट। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, इसको यूरोप का पार्ट हम लोग सिर्फ एक बाइफर्केशन के लिए बता रहे हैं। बेसिकली रशिया का कोई भी पार्ट यूरोप का पार्ट नहीं है, ना ही वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। दूसरी बात, अगर बॉर्डर रीजन की हम लोग बात करेंगे तो ज्यादातर जो बॉर्डर है वो दरिया से घिरी हुई है, लेकिन यस कुछ कुछ पार्ट जो है वो जमीनी एरिया से भी कनेक्टेड है। अगर बॉर्डर कंट्रीज की बात करेंगे तो कंट्री के अंदर अगर हम लोग बाल्टिक सी वाला जो पोर्शन है जहाँ पे दरिया से कनेक्टेड कंट्रीज है वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपरी एरिया के अंदर हम लोग अगर बात करेंगे तो वहां पे जर्मनी है, नॉर्वे है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, ये सब जो कंट्री है वो बेसिकली, और दूसरा स्वीडन है, ये सब कंट्री बेसिकली बाल्टिक सी के थ्रू कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर जमीनी एरिया से ऊपरी कंट्री की बात करेंगे तो जमीनी एरिया से फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लेटविया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सब कंट्री कनेक्टेड है। अगर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पे जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से तुर्की है, जॉर्जिया है, ये दोनों कंट्री कनेक्टेड है। और उसके अलावा अगर जमीन एरिया से हम लोग बात करेंगे तो आर्मेनिया, अजरबैजान, वो कंट्री वहां पे कनेक्टेड है। उसके अलावा नीचे की ओर हम लोग देखेंगे तो कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और ये सब कंट्री के साथ वो जमीनी एरिया है वो बॉर्डर शेयर करता है। और उसके अलावा नीचे की ओर दरिया से कनेक्टेड कंट्री की बात करेंगे तो वहां पे आपको जापान देखने को मिलेगा जो दरिया से वहां पे कनेक्टेड है। करीबन यहां पे 14 कंट्रीज के साथ रशिया कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है और ऑलमोस्ट कुछ कंट्री को छोड़ के बाकी सब कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे है। अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रशिया के अंदर करीबन 11 जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हुए, जिसके अंदर से 3 एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल वो सिर्फ मॉस्को के अंदर ही अवेलेबल है। अगर मॉस्को से दिल्ली के डिस्टेंस का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे करीबन 4326 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है यहाँ से। और मॉस्को से जो फ्लाइट ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर एयर अरेबिया है, एरोफ्लॉट है, एमिराइट्स है, इतिहाद एयरवेज है, टर्किश एयरलाइंस है, KLM रॉयल डच एयरवेज है, एयर इंडिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। बाकी कंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेजोरिटी सिटीज जो है वो रेलवे से कनेक्टेड है, बाय रोड भी कनेक्टेड है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो रशिया के अंदर टोटली 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज वहां पे आई हुई है, 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फेडरल यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है। जैसे दिल्ली के अंदर आप एम्स की बात करेंगे या इंडिया की दूसरी सिटीज के अंदर जो एम्स आया हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, वैसे ही रशिया के अंदर जो फेडरल यूनिवर्सिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है एंड इट्स प्योरली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज। तो ये सबसे पहला एक एडवांटेज आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात आएगी तो वो आएगी स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज बेसिकली बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो प्योरली इंग्लिश मीडियम है, अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज बायलिंगुअल भी ऑप्शन अवेलेबल है और वहां पे रशियन मीडियम लैंग्वेज भी अवेलेबल है। एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है
वो कंपेयर टू फेडरल यूनिवर्सिटीज थोड़ा लो बजट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटीज। रिसर्च यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करता है और मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज रिसर्च एक्टिविटी के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो भी मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज जो है प्योरली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है वहां पे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है एकेडमिक। एकेडमी जो है वो प्योरली सी यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल सेगमेंट के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के कोर्सेज वहां पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एकेडमिक एक प्योरली एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करवाई जाती है और एकेडमिक का ज्यादातर जो पढ़ाई रहता है वो रशियन लैंग्वेज में रहता है। इट्स अ डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर रशियन स्टूडेंट फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रीम ओनली। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि हर एक यूनिवर्सिटीज वहाँ पे वो जो टोटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा दूसरा हम जो चीज बताए थे जो शुरू में ही वीडियो के, वो यहाँ पे चीज आती है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पिछले 40 साल से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, जिस टाइम पे दूसरे कोई कंट्री का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था इंडिया में। दूसरी बात आएगी तो फीस जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है इंडियन पेरेंट्स के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए से फीस शुरू होती है जो मिनिमम होती है, वहां से लेके करीबन 7 से 8 लाख रुपए तक की फीस आपको देखने को मिलेगी। दूसरा वहां पे लिविंग एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंडिया है वहां पे। अगर शॉपिंग करने आप जा रहे हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आपको चीजें वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बात करेंगे एक्रेडिटेशन के बारे में, तो एक्रेडिटेशन की जब बात आएगी तो मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज है रशिया की वो MCA से एक्रेडिटेड है। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के पास ECFMG का एक्रेडिटेशन है जो कि USA के अंदर PG के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर GMC के एक्रेडिटेशन की बात करेंगे फॉर द UK वो भी अवेलेबल है। AMC एक्रेडिटेशन जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी वहां पे अवेलेबल है, एंड MCNZ एक्रेडिटेशन जो कि न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट है। तो ये हर एक टाइप के एक्रेडिटेशन ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है वहां पे। दूसरी बात आती है तो यहां पे जो मेडिकल एजुकेशन है वो टोटली 6 ईयर्स का मेडिकल एजुकेशन है जिसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। और दूसरी बात वहां पे सिर्फ और सिर्फ फेडरल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च यूनिवर्सिटीज और कुछ ही स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाते हैं। तो कभी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको खास ध्यान में रखना आवश्यक। दूसरी अगर करप्शन लेवल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो फेडरल और रिसर्च यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको 0 लेवल ऑफ करप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पे करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखेंगे तो वो बहुत ही एडवांस और रिच लेवल का आपको देखने को मिलेगा फेडरल और रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरा अगर बात करेंगे तो रशिया की जो फेडरल यूनिवर्सिटीज है और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसी है जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है मेजर कंट्रीज की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के साथ फॉर द एक्सचेंज प्रोग्राम। दूसरी बात करेंगे तो कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो टीचर है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टीचर बोल सकते हो आप वहां पे, क्योंकि बहुत ही टाइम से वो लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनका इंग्लिश फ्लुएंसी काफी ही बेटर है वहां पे, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को जब क्लिनिकल ट्रेडिंग का पार्ट आता है उस टाइम पे कम्युनिकेशन पार्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रह जाता है स्टूडेंट के लिए। एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, हम हर बार हर एक वीडियो में ये चीज बोलते हैं। और नेक्स्ट की एग्जाम से पहले अगर आपने ये चीज का ध्यान नहीं रखा तो आपको फ्यूचर में इंडिया के अंदर लाइसेंस लेने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक, जहां पे हम लोग बात करेंगे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटीज की। तो यहाँ पे मेरा गुजारिश है वही स्टूडेंट को जो ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई के बारे में सीरियस है तो ही यूनिवर्सिटीज का चयन करे। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे तो सेफ्टी पार्ट की, जो सबसे बड़ा मेजर इश्यू रहता है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, तो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आता है स्टूडेंट को। तो ये दो कुछ पॉइंट्स थे जो मेजर पॉइंट्स थे एडवांटेजेस के बारे में। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो डिसएडवांटेजेस इन रशिया के बारे में लाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। इवन हमारा जो चैट ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे जाके आप हमसे चैट पे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेल आईडी रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल का भी हम आपको प्रयत्न करेंगे रिप्लाई करने के लिए। तो फिर से मेरा दिवंदन है दोस्तों आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।